हेलो एवरीवन, टुडे विल कंप्लीट और विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9, दैट इज टिश्यू। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है और आप सब सेल चैप्टर अच्छे से पढ़े लिखे हैं। तो सेल चैप्टर के बाद जो चैप्टर आता है टिश्यू, अब ये होता है कि ये सेल और टिश्यू कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं, कैसे कनेक्टेड हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज टिश्यू। ओके, सो अगर पूछता है कोई कि ये टिश्यू क्या है, ओके व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सपोज आप इमेजिन करिए ये एक सेल है, 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 ठीक है, ये बहुत सारे सेल हैं और ये सारे सेल सिमिलर हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नर्व सेल हो गया, ये मस्कुलर सेल हो गया, ठीक है, ये कोई और सेल हो गया, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग सेल मिलकर आपका टिश्यू बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ओके, अगर एक सेल जैसा, एक अगर नर्व सेल है तो ये भी नर्व सेल होगा, ये भी नर्व सेल होगा, ये भी नर्व सेल होगा, सारे नर्व सेल होंगे और सारे नर्व सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, जिनको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ओके, तो टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ओके, जिनका फंक्शन और जिनकी ओरिजिन दोनों ही सेम हो। ओके, तो वो क्या कहलाएगा, वो टिश्यू कहलाएगा। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ओके, हुज स्ट्रक्चर इज सिमिलर, फंक्शन इज सिमिलर एंड ओरिजिन इज सेम आर नोन एज व्हाट, टिश्यू। ओके, तो टिश्यू, वो टिश्यू हो गया। अब टिश्यू, सेल और टिश्यू कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे कोरिलेट है, हमें पता है कि ये रहा आपका सेल। अब सेल आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं सेल के बारे में कि सेल जो है एक मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना सेल के, और बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन बहुत सारे मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। ओके, तो ये है पूरा एक पूरी ऑर्गेनिजम्स की जो शुरुआत होती है, कि ये ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, ऑर्गेन सिस्टम, कई सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके बनते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग सिस्टम हो गए। अब ये सारे सिस्टम कैसे बनेंगे, ऑर्गेन से मिलके बने होंगे। सपोज मान लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अकेले सिर्फ स्टमक रोल प्ले नहीं करता है कि अकेले स्टमक रहा और वो मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ऐसा नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है, यस एग्जैक्टली, वो माउथ से बना हुआ है। ओके, वो आपका सैलिवरी ग्लैंड से बना हुआ है। उसके बाद आप आओ तो वो आपका स्टमक से भी, पेनक्रियास से, लीवर से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गेन मिल के तब जाके वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। ओके, अब वो जो ऑर्गेन बने हैं ढेर सारे, चाहे वो पेनक्रियाज हो, चाहे वो स्टमक हो, ओके, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो वो सारे जो ऑर्गेन तैयार हुए वो कैसे बने हुए, वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं, और वो जो टिश्यूज बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उनका ऑर्गेन सिस्टम होना जरूरी है, उस ऑर्गेन सिस्टम के लिए ऑर्गेन का होना जरूरी है, ऑर्गेन के होने के लिए टिश्यू का होना जरूरी है, और टिश्यू के होने के लिए सेल का होना बहुत बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये रहा आपका सेल और टिश्यू का एक दूसरे का रिलेशन, कि किस तरह सेल और टिश्यू एक दूसरे से रिलेट है। अब आ जाते थोड़े हिस्ट्री पे इनके, कि जो स्टडी होती है अलग अलग, जैसे हम लोग सेल में पढ़े थे कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ओके, तो उसी तरह स्टडी ऑफ टिश्यू, अगर हम टिश्यू के बारे में पढ़ें, उनके बारे में स्टडी करें, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ओके, उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। एक और हिस्ट्री पे आते हैं, ये जो टर्म है टिश्यू, ओके, ये टर्म टिश्यू जो है वो किसने दिया है, वो बेचेट ने दिया हुआ है, बेचेट ने दिया हुआ है, ये इतना आप इसको याद रख लेना। ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, मेंशन किए हैं, स्पेशली क्लास 9th के बच्चों के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, आपको इसी तरह पॉइंट वाइज आगे के भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अब आप आ जाइए मेन क्लासिफिकेशन पे, टिश्यू जो आपको इस चैप्टर में पूरा कवर करना है, कि क्या क्या आपको इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए टिश्यू पे।
टिश्यू पे आपको जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन दिया हुआ है टिश्यू का, वो प्लांट टिश्यू दिया हुआ है और एनिमल टिश्यू दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है वो टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट है उनको हम प्लांट टिश्यू कहेंगे और वो टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट है उनको हम एनिमल टिश्यू कहेंगे। ऐसा नहीं कि जो टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट है उनको प्लांट टिश्यू कहेंगे, ऐसा नहीं है। जो प्लांट में प्रेजेंट है वो प्लांट टिश्यू है, जो एनिमल में प्रेजेंट है वो एनिमल टिश्यू है। ओके, तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू भी हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ये एनिमल टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आइए फिनिश करते हैं, कवर करते हैं इस प्लांट टिश्यू को। तो सबसे पहले आप आ जाइए प्लांट टिश्यू। यस, द टिश्यूज विच इज प्रेजेंट इन प्लांट इज नोन एज प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन आपको पता है बेटा, प्लांट भी बहुत बहुत मतलब ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इन ये बहुत सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं, उनमें एक अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं प्लांट में। अब आते हैं कि अब प्लांट में देखिए कैसे कैसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो प्लांट में जो टिश्यू है उसका जो सबसे पहले डिवाइड किया गया है वो सारे सेल्स जो कि डिवाइड करते हैं, ओके, जिनमें सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है, ओके, एक सेल से दो सेल बना, दो सेल से चार सेल बना, चार सेल से आठ सेल बना, मतलब वो सारे सेल्स जिनमें सेल कंटिन्यूअसली, वो सारे टिश्यू जिनमें सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, और एक वो जिनमें सेल्स डिवाइड नहीं करते। तो वो सारे टिश्यू जिनमें सेल डिवाइड करते रहते हैं और जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, ओके, वो सारे टिश्यूज क्या कहलाते हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू और मेरिस्टेम्स, ओके, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू हो गया जिनमें सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और जिनकी वजह से प्लांट की जो चाहे वो डायमीटर हो गया, चाहे वो लेंथ हो गया, ओके, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वे हो गया, ओके, तो वो सारी चीजें मतलब प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, अगर प्लांट बढ़ रहा है, उनकी साइज इंक्रीज हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? वो डिवाइड करते रहते हैं, ओके। एक टाइम ऐसा आता है जब सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करना स्टॉप कर देता है, रुक जाते हैं और वो मैच्योरिटी के स्टेज पे चले जाते हैं। सपोज मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? ये डिवाइड कर रहे हैं, ये सेल इसमें डिवाइड किया, ये दो में डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, ठीक, और मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ये बढ़ रहे हैं और इनकी वजह से प्लांट की साइज भी जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो है ये सारे सेल्स जो है मैच्योरिटी को अटेन करेंगे और उस टाइम पे इनमें सेल डिवाइड मतलब इनमें सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है वो रुक जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और उस टाइम पे ये मैच्योर स्टेज पे चले जाएंगे। उसी वक्त ये मेरिस्टमैटिक जो सेल है और ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है जब वो मल्टीप्लिकेशन और वो डिवीजन जब स्टॉप करता है, वो मेच्योरिटी को अटेन करते हैं और तब ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट में, जो कि डिवाइड नहीं करते। और जब ये डिवाइड नहीं करते, एक ही अपना स्पेशल अलग से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। ये परमानेंट टिश्यू अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप आ जाइए मेरिस्टमैटिक टिश्यू में, ओके। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के सेल्स जो है वो आपको पता है कि यस, वो डिवाइड करते हैं और प्लांट्स की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो इनकी वजह से ही ज्यादातर होती है। अब आप आ जाइए इसमें मेरिस्टमैटिक टिश्यू में कि इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, सपोज देखो यहाँ पे हमने एक, अभी देखो ये जो परमानेंट टिश्यू है ये आप बाद में देखेंगे, पहले हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्लांट्स बनी हुई है, यहाँ पे ये हमने डफली एक प्लांट बनाया जो कि आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। ये जो ग्रो किया हुआ है, ये आपका ऊपर का टिप शो कर दिया है, प्लांट्स के ऊपर का एपेक्स वाला पार्ट शो कर दिया है, ये लैटरल वाला साइड वाला शो कर दिया है और ये बीच एकदम इंटर कैलरी, जैसे इंटर नोड, ओके, इंटर कैलरी यहाँ पे। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे ये आपका ये जो है इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, यहाँ ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, तो इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके प्लेस के अकॉर्डिंग इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया मेरिस्टमैटिक टिश्यू को। जो एपिकल और जो एपेक्स रीजन पे आते हैं, ठीक है, एपेक्स रीजन पे, उनको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम, ओके, और ये जो लैटरल साइड में, ठीक है, जो साइड में लैटरल साइड में जो पाए जाते हैं उनको हम इंटर कैलरी मेरिस्टम्स बोलेंगे और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या होंगे? लैटरल मेरिस्टम्स कहलाएंगे। तो ये आपका एपिकल मेरिस्टम हो गया, ये इंटर कैलरी हो गया, ये लैटरल हो गया, ओके। ये देखो ये दिया हुआ है ना, ये पहला हो गया आपका एपिकल मेरिस्टम और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऊपर शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट हो, ठीक है, ये आपके रूट के भी, सपोज मान लीजिए ये अगर यहां से जैसे रूट है, ठीक है, ये यहां पे रूट है तो ये रूट का भी जो टिप है यहां पे भी वो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा जिनकी वजह से रूट की भी साइज जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे तो सिर्फ आपको रफली ऐसे दिखा दिया गया है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा।
ये आपका हो गया एपिकल मेरिस्टम्स, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, जिनकी वजह से अगर ये प्लांट, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू यहाँ 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 प्रेजेंट रहेगा, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ के सेल्स डिवाइड करेंगे, ये यहाँ की साइज बड़ी होगी, इंक्रीज होगी, कंटिन्यूसली यहाँ के सेल्स डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ की साइज इंक्रीज होगी। तो इसी तरह जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा प्लांट का या नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ लैटरल मेरिस्टम्स, बेस ऑफ, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। सपोज ये यहाँ पे लीफ है, ये आपको लीफ दिख रहा है, ये लीफ है, ये लीफ है, सपोज ये एग्जांपल, तो इनके बेस पे, ठीक है, इनके बेस पे ये पाए जा रहे हैं यहाँ पे। और इंटरनोड, इंटरनोड अगर आपको याद हो तो एक भी प्लांट जहां से लीव्स अराइज करते हैं, सपोज मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, यहां से लीव अराइज किया, यहां से लीव अराइज किया, यहां से लीव अराइज कर रहा है, यहां से लीव अराइज कर रहा है, तो जहां से लीव अराइज करते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम नोड कहते हैं। ये नोड हो गया, ठीक है, यहाँ पे नोड हो गया, ये सारे नोड हो गए, और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, जो स्पेस रहता है, उनको हम इंटर नोड कहते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके इंटर नोड हो गए। ओके, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका कि ये जो लैटरल है, ये जो लैटरल मेरिस्टम्स है, ये देखिए ये नोड है और इसके बाद वाला नोड यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, लैटरल मेरिस्टम्स, और जो कि इनकी साइज को इंक्रीज करते हैं। और ये आपका इंटर कैलरी हो गया, लास्ट वाला इंटर कैलरी मेरिस्टम, लैटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम, ये रूट और स्टेम के लैटरल साइड पे, साइड वेज में प्रेजेंट रहता है, जिनकी वजह से जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, तो इधर से डायमीटर आपका बढ़ रहा है, इधर से आपका लेंथ बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ये तीन मेरिस्टम्स जो हैं, जो कि एपिकल हो गया, लैटरल हो गया, इंटर कैलरी हो गया, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट्स की साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। अभी तो ये लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ा रहे हैं, इनकी विटनेस बढ़ा रहे हैं, डायमीटर बढ़ा रहे, सारी चीजें इंक्रीज कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारे सेल्स जब स्टॉप हो जाएंगे डिवाइड करना, तो ये किसको, ये किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये परमानेंट टिश्यू में ट्रांसफर हो जाएंगे, और तब वो जाके डिवाइड नहीं करेंगे, तब ये एक स्पेशल रोल करेंगे, स्पेशल रोल अब प्लांट्स में परफॉर्म करेंगे जो उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आई थिंक मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है वो आप लोगों का क्लियर होगा। एक बार आप लोग एनसीईआरटी भी रीड कर लेंगे तो बिल्कुल भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और क्लास 9 के सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है, बस आपको, बस आप एक इनका पोजीशन देख लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और इनके फंक्शंस आप देख लीजिएगा कि इनके फंक्शंस क्या है, बाकी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एंड नाउ कम टू परमानेंट टिश्यू, अब आप आ जाइए परमानेंट टिश्यू में। ओके, ओके, नाउ कम टू परमानेंट टिश्यू। देखिए यहाँ पे हमने परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और ये क्लासिफिकेशन जो है परमानेंट टिश्यू का, सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू और फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो कि सेल मतलब डिवाइड करना स्टॉप कर दिए हैं, अब वो जो उनका जो है डिवीजन हुआ है यहाँ पे सिंपल परमानेंट में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। अब बात ये आती है कि ये जो हमने डिवाइड किया हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हमने क्यों डिवाइड किया है। ओके, तो इतना आप लोग जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है इतना जान लीजिए कि जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, चाहे वो कॉलेन्काइमा हो, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा हो, ओके, ये हमने एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आप इसको इजिली समझ सकें। बहुत ज्यादा डिटेल हमने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है, सिर्फ और सिर्फ मेजर चीजें तैयार की है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप देखोगे, सपोज मान लो ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, अगर आप इन सब को गौर से देखो तो सबके जो जो शेप है, सबका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें कैसी है, सेम है बिल्कुल। ओके, तो मतलब ये जो जब सिमिलर सेल जिनका शेप और जिनके फंक्शन सब चीज बिल्कुल सेम हो, और जो एक ही तरह के सेल्स के मिलके बने हो, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल जब आप सिंपल परमानेंट टिश्यू का देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि व्हेन अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ मीन सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, एक ही तरह के सेल्स, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जैसे आप अगर आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन, तो सिंपल मशीन वो जो बहुत सिंपल है, ठीक है, एक दो चीज बस मिल जाती है तो वो सिंपल मशीन तैयार हो जाता है। ओके, जैसे आप सीजर वगैरह को देख लो, नाइफ को देख लो, नाइफ में एक चीज मिल गई तो वो एक सिंपल मशीन हो गया। सीजर आप देख लिए तो सीजर एक दो लॉन्ग रॉड की तरह मिला, वो एक सिंपल मशीन हो गया। लेकिन जहां पे आप
कॉम्प्लेक्स मशीन की बात करो तो कॉम्प्लेक्स मशीन में आप रेफ्रिजरेटर को देख लो, रेफ्रिजरेटर में कोई एक दो चीज नहीं लगती, हजारों चीज लगती है जो वो अलग अलग पार्ट्स मिलके ज्वाइंट होते हैं तब जाके रेफ्रिजरेटर तैयार होता है। उसी तरह आपका वॉशिंग मशीन जो है वो अलग अलग, वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स मशीन है, वो सिंपल में नहीं आएगी। तो इसी तरह सिंपल और कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया है। सिंपल की अगर हम बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के सेल्स के, सिमिलर तरह के सेल्स के मिलके बने होते हैं। जैसे मान लो पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर इस तरह है, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम है, ऊपर ऊपर वाले लेयर के भी पैरेन्काइमा का सेम स्ट्रक्चर है, नीचे वाले लेयर के भी पैरेन्काइमा का सेम स्ट्रक्चर है। तो मतलब इनके सारे स्ट्रक्चर, जो सारे सेल्स हैं वो एकदम सिमिलर, इक्वल इन साइज, ओके, मीन्स सबका फंक्शन इक्वल, सब में जितने कंटेंट्स है ऑलमोस्ट वो इक्वल, तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इसमें दो कैटेगरी आपको दी गई है, एक हो गया आपका जाइलम, एक हो गया फ्लोएम। नाम अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपको याद होगा, क्योंकि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में जाइलम और फ्लोएम के बारे में बहुत पढ़ा है, ओके। जाइलम का फंक्शन होता है क्या, सी प्लांट में जाइलम का फंक्शन क्या है, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, ओके, फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम फ्लोएम का तो बहुत नाम सुना है, लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम जो है, ये जो टिश्यू है, ये किस चीज से मिलके बने हैं, कितने सेल से मिलके बने हुए हैं, ये देखिए, ये फ्लोएम जो है ये भी कम से कम चार या पांच सेल से मिलके बना होता है। इसमें सीव ट्यूब्स दिया हुआ है, जनरली ये सीव सेल्स भी इसमें ऐड होते हैं, पांच मिलके बने होते हैं, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ सीव ट्यूब्स लिखा है, क्योंकि सीव ट्यूब्स में ही वो सीव सेल्स को कंसिडर कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोएम को देखोगे तो फ्लोएम अकेला, जैसे यहाँ पे पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिर्फ अकेले अकेले अपने अपने सेल्स के बने हुए, इनको किसी और सेल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप फ्लोएम की बात करो, जब आप जाइलम की बात करो, तो ये सिर्फ अकेले सीव ट्यूब्स, या अकेले सिर्फ कंपेनियन सेल्स, या अकेले सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा, या अकेले फ्लोएम फाइबर्स, अकेले अकेले मिलके नहीं बने हुए हैं, ये एक साथ मिलके, ठीक है, टुगेदर, ये इनका शेप साइज अलग है, 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 सब ये क्या है, सब अलग अलग है, लेकिन एक साथ मिलके ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट। वो कौन काम कर रहा है, फ्लोएम काम कर रहा है। उसी तरह जाइलम में भी देखो तो जाइलम अकेले ट्रैकेट्स का मिलकर नहीं बना हुआ है, या फिर जाइलम अकेले वेसल्स का मिलकर नहीं बना हुआ है, या फिर जाइलम अकेले पैरेन्काइमा का मिलकर नहीं बना हुआ है। ये जाइलम जो बना हुआ है, ये चारों चीजों से मिलकर बना हुआ है, ट्रैकेट से भी, वेसल से भी, जाइलम पैरेन्काइमा से भी, जाइलम फाइबर से भी, ओके। तो ये सबके मिलके बने हुए हैं, और इसी वजह से ये किसके अंडर में आते हैं, ये सिंपल परमानेंट में नहीं आते, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। आई थिंक अब आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो क्लियर होगा कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्यों डिवाइड किया गया है, क्यों अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये एक तरह के सेल्स के बने होते हैं और ये बहुत सारे तरह के सेल्स के मिलके बने होते हैं। ये एक तरह के मिलके बने हैं, इस वजह से ये सिंपल है, ये बहुत सारे सेल्स के मिलके बने हुए, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। अब वो अलग अलग सेल्स क्या है, वो अलग अलग सेल्स यही सब है, ये जो आपको दिख रहा है। अभी हम आते हैं इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, ओके। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो आपका हो गया पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जनरली जो पैरेन्काइमा होते हैं, जब आप एनसीईआरटी में इनके डायग्राम देखेंगे, तो पैरेन्काइमा जो है लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक। ये लिविंग सेल्स मतलब इनकी सेल्स लाइव होती है और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है व्हाट, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये लिविंग सेल्स के बने हैं। कॉलेन्काइमा भी जो है वो भी लिविंग सेल्स के बने होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स का नहीं है। वो कैसे सेल के बने होते हैं, वो डेड सेल के बने होते हैं। जब आप जब आप कोई भी नट्स वगैरह खाते हैं, या किसी भी सीड के जो सीड कोट होते हैं, वो जनरली बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। जब आप उनको खाते हो तो वो जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है ना, वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। जब आप कोकोनट को देखो, जब आप नारियल को देखो, नारियल के ऊपर जो पूरा जूट की तरह जो लगा होता है, जो हस्क लगी होती है, ठीक है, तो क्वायर मतलब जब आप उनको देखोगे, तो वो जो जब उसको निकालोगे इसमें से, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड है, वो इजिली, वो जो नारियल के बल्ब को वो इजिली नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो डेड सेल के बने होते हैं, वो डेड सेल का बना होता है, ओके। और ये जो है स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स के बने होते हैं, उनमें कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होती है। और इंटर सेलुलर स्पेस आप लोगों को पता है कि ये इंटर सेलुलर स्पेस क्या है। सपोज यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, ये आपका एक ये सेल हो गया, ये सेल हो गए, ये सेल हो गया,
ओके, उसके बाद आपका ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा में जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये सेल, अब इन दोनों सेल के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और इन दोनों के सेल के बीच में देखिए, ये इन दोनों सेल के बीच में भी ये स्पेस दिख रहा है, इन दोनों सेल के बीच में ये स्पेस दिख रहा है। तो ये जो सारे स्पेस दिख रहे हैं बीच बीच में, सपोज यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे भी स्पेस बन जाएगा, यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे भी स्पेस बन गया, यहाँ पे भी स्पेस बन गया। तो ये सारे स्पेस जो है इनको हम इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं, जो कि हमको किस में दिखता है, पैरेन्काइमेटस सेल में दिखता है, ठीक है। ये पैरेन्काइमा है सपोज मान लीजिए, तो ये लिविंग सेल्स के बने होते हैं और ये जो है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। और इनका मेन जो है फंक्शन क्या है, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। सपोज मान लीजिए आप कोई भी फ्रूट्स खाते हैं या कोई भी पार्ट खाते हैं प्लांट्स का, ठीक। तो जो हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी में एज अ न्यूट्रिएंट जाता है, वो सारे कौन से सेल, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को, वो सारे फूड को कौन स्टोर करता है, कौन सी टिश्यू स्टोर करती है अपने अंदर, वो पैरेन्काइमा स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड स्टोरेज का। तो आई थिंक ये जो है, ये पैरेन्काइमा आपका क्लियर हो गया। और आप ये याद रखना कि पैरेन्काइमा जनरली जब पूरे प्लांट्स में, पूरे प्लांट में, ये देखिए प्लांट में बहुत सारे, इनमें जाइलम हो गया, इनमें फ्लोयम हो गया, इनमें स्क्लेरेन्काइमा हो गया, कॉलेन्काइमा हो गया, सारे सारे टिश्यू अपना अपना जगह ले लिए। और उसके बाद जितनी भी स्पेस बचती है, जितनी भी स्पेस बचती है, जनरली वो स्पेस कौन फिल करता है, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा मतलब ओवरऑल पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और उनका काम क्या है, फूड स्टोरेज का। एक यहाँ पे हमने नोट करके स्पेशल केस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेशल केस ये है आपका कि बहुत सारे पैरेन्काइमा में अगर सपोज मान लो आप लीफ का एग्जांपल ले लो, लीफ के पैरेन्काइमा में आप देखोगे तो उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। क्लोरोफिल आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट है, और जिनके वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिनके वजह से लीफ जो है अपना फूड प्रिपेयर करती है। तो वो पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। वो रहेंगे क्या, पैरेन्काइमा ही, लेकिन उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ओके। तो वो क्या कहलाएंगे, क्लोरेन्काइमा। अब नेक्स्ट आ गया एरेन्काइमा। एरेन्काइमा देखो, एरेन, एरियल, ये सारे टर्म जहां पे भी आते हैं आपको पता है कि वो किसके लिए होते हैं, एयर के लिए होते हैं, ठीक है। जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं वाटर पे, जब आप देखोगे वाटर पे बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं, उस पर तैरते रहते हैं। तो वो कैसे वो फ्लोट करते रहते हैं, जाहिर सी बात है उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी, तब वो फ्लोट कर रहे हैं। अब वो एयर कैविटीज प्रेजेंट कहाँ है, वो एयर कैविटीज उनके पैरेन्काइमा में। सपोज मान लीजिए ये पैरेन्काइमा है, उस पैरेन्काइमा में एक लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट हो जाती है, लार्ज एयर कैविटी, और जिनकी वजह से वो जो एयर जो है, उस एयर कैविटी की वजह से वो जो है इजिली फ्लोट करता है। तो वो पैरेन्काइमा जिनमें एयर कैविटीज एक लार्ज अमाउंट में पाई जाती है, उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं, ओके। आई थिंक ये जो तो स्पेशल केस है वो आपको क्लियर होगा। वो पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको क्लोरेन्काइमा कहेंगे। और वो पैरेन्काइमा जनरली जो एक्वाटिक